बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। आओ यारो शुरू करते हैं होली की धूम धड़ाम। आओ हम शुरू करते हैं होली के रंग बिरंगे चुटकुल्ले। अभी टीका पहले तू सुना। एक लड़की ने अपनी फोटो होली के दिन खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजी और नीचे लिखती है, मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ ना। बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, वैसे भी तू कौन सी बहुत अच्छी लगती है। ब्रेकअप हो गया दोनों का। वाह 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 मलखान, अब तू सुना। तो भाइयों, पप्पू ने चिंकी से पूछा, तेरे भाई को पुलिस क्यों घसीट कर ले जा रही थी। चिंकी बोली, अरे मेरे भाई ने एक दुकान खोली थी। पप्पू, पर दुकान खोलने पर तो पुलिस नहीं ले जाती है। चिंकी बोली, अरे मेरे भाई ने होली के रंग चुराने के लिए हथौड़ा मार कर दुकान खोली थी। अरे भाई रमेश, पड़ोसन को रंग लगाने के बाद तेरे घर में झगड़ा शांत हो गया क्या। हाँ यार शांत हो गया है, पर कैसे यार, मेरी बीवी मेरे पास घुटने के बल चलकर आई थी। क्या बात कर रहा है यार, ऐसा कैसे हो गया। हाँ यार, मेरी बीवी मेरे पास घुटने के बल चलकर आई और मुझसे बोली, पलंग के नीचे से बाहर निकल आओ, अब मैं और नहीं मारूंगी। मलखान, डॉक्टर साहब मुझे अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करानी है। वह तो मैं कर दूंगा, पर होली तो 2 दिन बाद है, तुमने आज ही इतनी होली क्यों खेली। डॉक्टर साहब, यह तो पिछली होली का रंग है जो आज तक नहीं निकला। आप तो बताइए प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आएगा। लगभग 1 लाख रुपए आएगा। डॉक्टर साहब, अगर प्लास्टिक हम खुद ही दे दें तो कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर, तो प्लास्टिक को पिघलाकर खुद ही चिपका लेना, फ्री में सर्जरी हो जाएगी। अब टिल्लू अपना जोक सुनाएगा। एक पत्नी अपने पति से कहती है, हम तो मेरे मायके जा रहे थे ना होली खेलने, आप मुझे यह कहाँ ले जा रहे हो। तो पति बोलता है, डार्लिंग हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। अरे वाह, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पति बोलता है, मुझे भी अभी अभी पता चला जब ब्रेक फेल हो गया। यारो आज होली है, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूँ, लेकिन किसके पास, सारे दोस्त तो शराबी हैं, खुद ही सारू दारू पी जाएंगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाएंगे।